हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम सरिता जोशी है और आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ मैक्रोनी। तो सबसे पहले मैंने काटा टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च और एक चीज़ और पत्ता गोभी। तो सबसे पहले मैंने तेल रखा, उसको गर्म किया, उसमें हींग और जीरे का तड़का लगाया, फिर सारी सब्ज़ियाँ डाल दी। हरी मिर्च भी काटी है, इससे इसका टेस्ट बढ़ जाएगा। फिर सब्ज़ियों को ज़्यादा पकाना नहीं है, बस सॉटे करना है, मतलब इनका थोड़ा कच्चापन रहना चाहिए, तभी खाने में थोड़ा मज़ा आता है। तो ये हो चुकी हैं, तो अब इनमें थोड़ा सा जो मसाले हमें यूज़ करने हैं वो डाल देंगे। सबसे पहले मैंने इसमें मैक्रोनी डाल दी, जिसको मैंने पहले से ही सुखा के रखा है। सुखा के यानी इसका पानी थोड़ा निखार लिया है। फिर इसमें नॉर्मली नमक मिर्च मसाले वगैरह डाल के इसको अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है और मैक्रोनी बन के यहाँ पर रेडी हो गई है। तो मैंने इसमें थोड़ा सा नूडल्स मसाला था ये ऐड किया है, इससे इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा। बाकी ये बन चुकी है हमारी मैक्रोनी। बहुत ही इजी रेसिपी है, बहुत ही क्विक बन जाती है। और जो मैक्रोनी होती है उसमें एक उबाल आए तो उसे बंद कर देना चाहिए, तभी मैक्रोनी जो है सॉफ्ट हो जाती है। फिर उसके बाद मैंने की प्लेटिंग, यानी मैं स्माइल बनाने की कोशिश कर रही थी बट बन नहीं पाया अच्छे से। एनीवे, कैसी लगी आपको वीडियो बताना ज़रूर। थैंक यू सो